पार्टियों का अपना जोर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं, अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है, अंजना। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के दर्शक देखेंगे, क्योंकि हम उस गाड़ी में सवार हैं जो पीएम के बिल्कुल काफिले के आगे चलेगा। ये देखिए वो हुजूम है, नरोदा की ये सड़कें आज दोनों तरफ गुलजार हैं, क्योंकि मोदीमय यहां पर वातावरण हो चुका है। जनता को प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। यहीं से पीएम का कैवलकेड आएगा, यहां से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी जो है ये पीएम के कैवलकेड के उनके काफिले के ठीक आगे आगे चलेगा, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहां से दिखाएंगे। ये देखिए ये लोगों का हुजूम, कुछ ने पीएम का मास्क पहना हुआ है, प्लेकार्ड्स पकड़े हुए हैं और झंडा लेकर यहां पर लोग बीजेपी के सपोर्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए यहां पर तैयार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नरोदा पाटिया, यहां से ये नरोदा गांव है ये, और यहां से नरोदा पाटिया फिर पीएम जाएंगे। ये चौराहा है जहां से ये रोड शो की शुरुआत हो रही है। तमाम तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है, यानी आप किसी भी लम्हे यहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, उनका कैवलकेड आना शुरू हो जाएगा। ये सड़क पूरी तरह से खाली कर दी गई है, और जिस तरह से इसको मोड़ा गया है उससे बिल्कुल ऐसा एहसास है यही होगा। जोश जो है लोगों का यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह है। सब इंतजार कर रहे हैं, नजरें टकटकी लगाए बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत जब नरोदा गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। यहां से देखिए ये काफिला, ये रोड शो नरोदा पाटिया से होकर आगे गुजरेगा, एक बहुत बड़ा संकेत है। और शायद अपने अगर हम राजनीति में देखें तो चुनावी प्रचार में 50 किलोमीटर का ये रोड शो अद्वितीय तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी की है। थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर इधर का नजारा हम आपको दिखाएं तो सिर्फ जो प्रधानमंत्री के साथ मीडिया मौजूद रहता है उसी में एक दो कैमरा यहाँ पर मौजूद है, और हम लोग इस तरह से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। ये सड़क सामने का एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री का कैवलकेड आने वाला है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और इसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पुलिस जबरदस्त तैनाती चारों तरफ पुलिस की गई है, एसपीजी के लोगों ने चारों तरफ जो जगह है उसको घेर लिया है। आप अगर देखेंगे तो छतों से लोग देख रहे हैं, ये दिखाइए जरा जरा नजारा यहाँ पर छतों से, ये देखिए यहाँ पर जो जोश है लोगों का, ये आप देखिए वहां छत से हाथ हिला रहे हैं ऊपर से, मतलब सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार करीब से एक झलक देखना है, और इसीलिए सभी लोग सड़क के दोनों तरफ, मतलब इस चौराहे पर आप समझ लीजिए कि चारों तरफ जनता का हुजूम है, और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरने वाला है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जबरदस्त भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, 3 घंटे तक ये काफिला यूं ही अहमदाबाद के अलग अलग सड़कों से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। नरोदा गांव से शुरुआत नरोदा पाटिया से होता हुआ ये काफिला जब आगे बढ़ेगा, नरोदा पाटिया 2002 के दंगों का सबसे ज्यादा असर वहां पर देखने को मिला था, लेकिन क्या वो हिस्सा अब उन दंगों की यादों को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ रहा है। 90 से बीजेपी का कब्जा है नरोदा पाटिया पर, और इस बार ऐसे चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाए हैं आप जिसके पिता के ऊपर 2002 के दंगों के दाग लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उसको आप उम्मीदवार से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि यात्रा कहां कहां से होकर ये गुजरेगी, नरोदा गांधीनगर से नरोदा से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों की ओर गुजरती हुई आपको हम दिखा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट से कि वो कौन कौन से हिस्से होंगे जहां पर 3 जगह पुष्पांजलि की जाएगी। लंबा चौड़ा काफिला जहां जहां से होकर गुजरेगा यकीनन वो किस तरह का असर छोड़ेगा ये बताने की जरूरत है नहीं।